ऑटो एक्सपो 2023 से अभी मैं एक बहुत ही खास प्रोडक्ट लेकर आई हूँ आपके लिए, और वो है टाटा सियेरा। ये नाम हम सब ने सुना हुआ है, इसकी एक बहुत बड़ी लेगेसी रही है, और अब ये बिल्कुल नए अंदाज में आने वाली है, क्योंकि ये आने वाली है ईवी के अंदाज में। हमने सबसे पहले इसे 2020 ऑटो एक्सपो में देखा था, और यहाँ पर जो आपको मॉडल दिखाई दे रहा है ये अभी भी कॉन्सेप्ट फॉर्म में है, लेकिन 90% तक ये प्रोडक्शन रेडी है, ऐसा टाटा मोटर्स का कहना है। इसका जो लुक, जो पूरा शेप है, वो जो हमने 2020 में ऑटो एक्सपो में गाड़ी देखी थी उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लुकिंग इसका शेप है, क्योंकि पीछे ये काफ़ी शार्पली नीचे आता है, एक बॉक्स लुक है, लेकिन फिर भी कर्व्स हैं काफ़ी सारे इसमें जो आपको नज़र आते हैं। सामने देखिए, जिसका हेडलैम्प का ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अलग है, इंटरेस्टिंग सा दिखाई दे रहा है, और नीचे भी अगर आप नज़र डालें तो वहाँ पर लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स नज़र आ रही हैं। अलॉयज़ पर नज़र डाल लेते हैं, अलॉयज़ काफ़ी कूल दिखाई देते हैं, इसके डुअल कलर अलॉयज़ 5-spoke काफ़ी अच्छे दिखते हैं। देन थोड़ा सा आप अंदर भी देख सकते हैं, हमने जब 2020 ऑटो एक्सपो में जो सियेरा देखी थी उसमें भी डैशबोर्ड पर थोड़ी सी ग्रीनरी थी, और वो यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल जो इसके इंटीरियर दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये जो गाड़ी है ये अभी तो 5-seat फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इसका स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग है, और गाड़ी अंदर से काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर आपको नज़र आए तो इसके सीट बेल्ट में नियॉन ग्रीन दिया गया है, और गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइटिंग भी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक बातें बता दूँ इसकी, ये 90% प्रोडक्शन रेडी तो है ही, साथ ही उम्मीद ये कर रहे हैं हम कि ये 2023 तक लॉन्च हो जाएगी। तो एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट टाटा मोटर्स की तरफ से ऑटो एक्सपो 2023 में।